हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग। होप करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे आ चुके एक और वीडियो के साथ। सो गाइस यार, आज की वाली वीडियो मैं आपके लिए हेडशॉट ट्रिक लेके आया हूँ। बहुत ही सिंपल और बहुत ही छोटी सी ट्रिक है, तो बहुत ही ज़्यादा छोटी वीडियो होने वाली। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। एंड अगर आपको ये वाली ट्रिक अच्छी लगे तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, ऐसी ट्रिक्स मैं आपके लिए और लाऊँगा। तो बिना वक्त गए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस यार, मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगा वो ट्रिक होने वाली है एआर गन्स के लिए। वो सारी गन्स में काम करेगी, बट जो जिस गन में सबसे ज़्यादा 100% काम करेगी वो गन है एक्सएम्बेट। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो मैं किस तरीके से हेडशॉट मार रहा हूँ। एंड एक बात मैं आपको और बता दूँ कि ये जो ट्रिक है ये सिर्फ स्टिल खड़े हुए बंदे पर ही काम आएगी। जैसे कि कोई बंदा स्टिल खड़ा हुआ है एक दो सेकेंड के लिए, तो उस पर आप ये ट्रिक अप्लाई करके उसको हेडशॉट से किल कर सकते हो। तो बिना वक्त हुआ है मैं आपको वाली ट्रिक बताता हूँ। सो गाइस यार, ट्रिक कुछ इस तरीके से काम करती है। आपको कोई भी गन निकाल लेनी है, मैं तो आपको एक्सएम्बेट ही प्रेफर करूँगा। तो आपको स्कोपिंग करना है एंड उसके बाद में आपको जंप वाला बटन दबाना है। एंड जब आपको लगे कि आपके प्लेयर की जंप पूरी हो चुकी है एंड आपका प्लेयर अब नीचे आने वाला है, तो आपको लेफ़्ट फायर बटन से फायर करना है, राइट फायर बटन से फायर नहीं करना है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो 2 से 3 हेडशॉट लगते ही हैं एनिमी को। तो होप करता हूँ आपको ट्रिक ज़रूर पसंद आ गई होगी एंड समझ भी आ गई होगी। तो आपको आप इसे ट्रेनिंग ग्राउंड में परफॉर्म कर सकते हो एंड कस्टम में खेल सकते हो अपने फ्रेंड के साथ। एंड ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स अगर आपको और चाहिए तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपके लिए ऐसी ट्रिक्स और लाइक के आ जाऊँगा। तो आज की वाली वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।